सो ये रहा हमारा गाइज यिलिंग, जो कि एबरेशन का नया डायनो है। इसको टीम करने के लिए ये देखो, सबसे पहले ये उड़ चुका है। इसके 30 फेदर्स हमें, मतलब जो ये शूट कर रहा है ये फेदर्स है। यहाँ पे जल्दी से स्पीशीज डाल लेते हैं अपने स्लॉट बॉक्स में गाइज। तो 30 फेदर्स हमें खाना है। देखो वहाँ पे एकदम किनारे की तरफ हमारा 30 फेदर्स जैसे ही आएगा, फिर हमें शील्ड लगाना है गाइज। और शील्ड लगाते ही ये स्पेसिमिन फेंकना है गाइज। जैसे ही 30 फेदर्स हमें शूट हो जाएंगे हमारे बॉडी पे, 30 फेदर्स शूट हो जाएगा, तो वैसे ही तुरंत एग्जैक्ट ये प्लांट जेड का ग्रेनेड फेंकना है गाइज, जो कि मेरे फोर्थ वाले बॉक्स पे है। एंड ये देखो, जैसे ही ये आएगा इसके 30 फेदर्स खाते, 31-32 चलेगा गाइज। एंड जैसे ही 32 जो भी है वो हो गया, उसके बाद से शील्ड लगा के डायरेक्ट फेंको। एंड हुआ क्या? नहीं हुआ गाइज। फिर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड हमें फिर से शील्ड लगाना पड़ेगा। 30 होते ही अपने पास ये शील्ड आगे खड़ा कर लेना, एंड खड़ा होते ही एक दो शूट और फेदर करेगा, उसके बाद अपने हाथ में ये बॉम्ब ले लेना, ये ग्रेनेड ले लेना गाइज। उसके बाद तुरंत से फेंकना है, जैसे ही हो गया ये लेट्स गो गाइज। ये देखो हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। इसको जल्दी से फीड करते हैं भाई। एंड ये देखो गाइज, ये देखो ये आराम से हो चुका है हमारा यिलिंग, बेहोश हो चुका है गाइज, अनकॉन्शियस हो चुका है। बहुत ही सिंपल है बट बहुत एक्यूरेसी चाहिए गाइज वो ग्रेनेड को शूट करने के लिए। मैं ऑलरेडी एक और टीम कर चुका हूँ, मैं इसके लिए जल्दी से लेके आता हूँ। मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल है गाइज, ये लेके आते हैं, इसकी इन्वेंट्री के अंदर डालते हैं एंड जल्दी से इसको टेम करते हैं। और इसका सैडल भी बहुत चीप है गाइज, उसके लिए हमें बस कुछ हाइड वुड और थैश ही चाहिए, फाइबर चाहिए, सॉरी थैश नहीं चाहिए, हाइड वुड और फाइबर चाहिए गाइज। बहुत ही इजी सैडल है एंड काफ़ी इजी टेम हो जाएगा। बस आपके लिए थोड़ा सा ये ग्रेनेड जो है वो बहुत सारा लाना पड़ेगा, और नार्कोटिक्स भी ला सकते हो, और प्लस ये बायोटॉक्सिन भी बहुत अच्छा है, तो जो आपको बन पड़े वो लेके आ जाना और अपने यिलिंग को जल्दी से टेम कर लेना। एबरेशन में ये गाइज नया डायनो आया है यिलिंग, जो कि बहुत ही सुंदर है भाई। ये नीले वाले को देखो, क्या ही सुंदर लग रहा है एंड इसका सैडल भी बहुत ब्यूटीफुल है। और इसको टीम करना उतना हार्ड भी नहीं है, बट आपके पास ये सारे आइटम्स होने ज़रूरी है और ईजिली टीम हो जाएगा। बस तुम्हें एक्यूरेसी थोड़ा एकदम अच्छे से करना पड़ेगा एंड इसको टेम करना ज़्यादा टफ नहीं है गाइज। ये देखो हमारा जल्दी से टेम हो चुका है। ये बहुत ही कम लेवल का था, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बना के लाया था, ये 5 लेवल का ही था। एंड ये नीला वाला हमारा बहुत अच्छा है, और ये देखो क्या ही उड़ता है भाई। रॉक ड्रेक आपने देखा होगा, उसका ये छोटा सा मामू है गाइज, छोटा सा बच्चा है रॉक ड्रेक का। वैसे बच्चा है नहीं, इसका अलग ही स्पीशीज है, बट ये हमारा नया डाइनो काफ़ी कूल है गाइज। अगर आपको जल्दी से टेम करना है तो आपको ये सामान चाहिए होंगे, जल्दी से लेके आप इसे टेम करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।